हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कॉर्न भजी खाने का मजा ही कुछ और है। तो आज हम लोनावाला स्टाइल एकदम क्रिस्पी कॉर्न भजी बनाएंगे, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। कॉर्न भजी बनाने के लिए मकाई हमें एकदम फ्रेश लेनी है। मैंने एक मकाई के छिलके निकाल दिए है, इसे हम चॉप कर लेंगे। इस तरह से इसके दाने चॉप कर लेंगे। मकाई के दाने आधे आधे कट जाएंगे तो चलेगा, ये साबुत नहीं रहना चाहिए। इसे हम तेल पे फ्राई करेंगे और मकाई के दाने साबुत रहेंगे तो तेल पे ये फूट सकता है और तेल उछल के बाहर आ सकता है। इस तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास मकाई के दाने हैं तो उसे भी थोड़ा थोड़ा चॉप करके लेना है। इस तरह से चॉप करके लेंगे। ये एक मकाई मैंने पूरी चॉप कर ली है और इसमें से हम आधी मकाई का इस्तेमाल करेंगे, यानी डेढ़ मकाई के दाने हम निकाल के लेंगे। दो छोटी साइज का प्याज लिया है, इसकी हम पतली और लंबी स्लाइस करेंगे। इस तरह से आधी मकाई का दाना मैंने निकाल के रखा है, इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। पल्स बटन दबा के इसे दरदरा क्रश करेंगे। तीन बार पल्स बटन दबा के इसे एकदम दरदरा ग्राइंड किया है। एक मकाई के दाने को हमने चॉप किया था, इसे मैंने बाउल में ले लिया है। प्याज की स्लाइस इसमें डाल देंगे। एक टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसे हाथ से अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे ताकि प्याज और मकाई का मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा, इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज हो जाएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसमें पत्ता गोभी चॉप करके डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई दो हरी मिर्च डालेंगे, एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चौथाई टीस्पून अजवाइन, इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। आधे टीस्पून चाट मसाला, एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक पिंच हींग, दो टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे। मकाई के दाने हमने क्रश किए हैं, ये डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा कप बेसन डालेंगे, दो टेबलस्पून चावल का आटा, ये डालने से भजिया एकदम क्रिस्पी बनेगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसन इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डालना है। इसमें पानी भी नहीं डालना है, बिना पानी के ही सब मिक्स करना है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छा बाइंडिंग आ गया है। एक टेबलस्पून गरम तेल डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम तेल डालने से पकौड़ा एकदम क्रिस्पी बनेगा। बैटर बना के रखना नहीं है, इसका तुरंत ही हम भजिया बनाएंगे। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, एक टूथपिक डाल के देख लेंगे गरम हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स हो रहा है, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। पानी वाला हाथ करेंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और छोटा छोटा भजिया गरम तेल में डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे तुरंत चलाना नहीं है, एक से डेढ़ मिनट के बाद इसे चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पे उलट पलट के इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाती है और इस तरह से हम उलट पलट करके फ्राई करेंगे तो एक जैसा कलर का ये फ्राई होगा। ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है तो निकाल लेंगे। इस तरह से इसमें से तेल पूरा निकाल लेना है। इसे एक छन्नी में डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल इसमें से बाहर आ जाएगा। पानी वाला हाथ करके इस तरह से हम बाकी के भजिए भी तेल में फ्राई कर लेंगे। इसे भी मीडियम फ्लेम पे उलट पलट के फ्राई करेंगे। ये भी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है तो निकाल लेंगे। कितना क्रिस्पी बना है आप देख सकते हैं, आवाज आ रही है।
एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी कॉर्न भजी बनके रेडी हो गई है। साथ में मैंने लहसुन की चटनी, हरी चटनी और गर्मा गर्म चाय सर्व की है। ये भजी ठंडी होने के बाद भी ये एकदम क्रिस्पी रहती है। अब इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।